पूरे संभल की चंदौसी में नगर पालिका परिषद ने चलाया पॉलीथीन के खिलाफ अभियान। काफी मात्रा में पॉलीथीन जब सरकार द्वारा चलाए जा रहे प्लास्टिक मुक्त अभियान को सफल बनाने के लिए नगर पालिका परिषद की सेनेटरी इंस्पेक्टर प्रियंका सिंह के नेतृत्व में आज नगर में पॉलीथीन के खिलाफ एक अभियान चलाया गया, जिसके दौरान काफी मात्रा में पॉलीथीन भी जब्त की गयी। इस विषय में सेनेटरी इंस्पेक्टर प्रियंका सिंह ने बताया कि शासन के निर्देश पर पॉलीथीन के विरुद्ध अभियान चलाया गया, जिसके दौरान काफी मात्रा में पॉलीथीन जब्त भी की गयी, लेकिन इन लोगों को आज सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। यदि आगे भी इन लोगों से पॉलीथीन पाई गई तो इनके विरुद्ध जुर्माने तथा दुकान को सीज करने की कार्यवाही भी की जाएगी। ऐसा है कि जैसे कि शासन के बार बार निर्देश आ रहे हैं कि पॉलीथीन मुक्त करनी है पूर्णतः, तो वैसे भी आप लोग देख रहे होंगे इस समय चंदौसी में काफ़ी लोगों ने पॉलीथीन को प्रतिबंधित कर लिया है, उपयोग कम हुआ है, लेकिन फिर भी हमारा निरंतर प्रयास है कि हम बार बार ऐसे पॉलीथीन अभियान चलाते रहें, जिससे कि लोगों को जागरूकता हो कि पॉलीथीन पूर्णतः चंदौसी को, हम लोग का उद्देश्य है कि चंदौसी पूर्णतः पॉलीथीन मुक्त हो जाए। कुछ पॉलीथीन जब्त भी की गई है? हाँ, आज कुछ जगहों से मिली है और उन लोगों को सिर्फ आज चेतावनी दी गई है कि अगर दोबारा उनके पास पॉलीथीन प्राप्त होती है तो हम उन पर जुर्माना और दुकान को सीज करने की प्रक्रिया करेंगे।